सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जनाब सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। तो गाइस फाइनली एसएससी जेईई के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। जी हाँ गाइस, जो फॉर्म हमारे द्वारा 2019 में भरे गए थे उसका फाइनली डेट आ चुकी थी, आप सभी लोग अवेयर थे, और उसी के रिगार्डिंग एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांचों के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके या उस लिंक को कॉपी करके डायरेक्ट गूगल क्रोम पर पेस्ट कीजिए, और वहाँ पर अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके पास जो भी है, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपके पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आइए गाइस, मैं आपको बता दूं किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें बताएंगे आपको। बस करना ये है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। दूसरी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एसएससी जेईई का एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। गूगल क्रोम अपने मोबाइल में, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी हो उसमें ऑन कीजिए और ssenr.net आप डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और, आप सीधे एसएससी भी डाल सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, एसएससी का होम पेज आपको ओपन करना है। तो देखिए, जैसे आप एसएससी डालेंगे तो आपके सामने यहाँ पे होम पेज ओपन हो जाएगा। अब जिस टाइम पे आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पे आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड। तो वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको डालना है कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, ये जारी हो चुका है। इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विंग एग्जाम 2019-2020 में जो फॉर्म भरा जाना है उसके बारे में, और एडमिट कार्ड की जानकारी तो पहले ही जारी हो चुकी थी। चलिए, सो अब आप सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए। आपकी डिटेल है, मैं यहाँ पे देखिए लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको। सो गाइस, यहाँ देखिए जो भी रोल नंबर का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का निकालना है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कीजिए, यहाँ पासवर्ड, और यहाँ पे जो आपको कैप्चा दे रखा है वो डालना है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ना मिले तो आपको अपने मोबाइल के ईमेल सेक्शन में जाना है, वहाँ पर टाइप कीजिए एसएससी, आपके सामने ईमेल खुल जाएंगे, तो वहाँ पे किसी ईमेल में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा होगा और पासवर्ड भी दे रखा होगा, तो वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड हर बार एक सेम ही रहता है। चलिए, अब इसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन पे जाके क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं, अब देखिए इसके बाद आपके सामने आ जाएगा नीचे, आपको अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो अभी ये फॉर्म भरना अवेलेबल है। इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आप देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे आइए, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अलग अलग क्या आ जाएंगे, जोन, आप किस जोन से हैं। मान लीजिए आप ईस्ट रीजन से हैं तो वहाँ का क्लिक कीजिए, कर्नाटक, केरल रीजन, साउथ रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न, मध्य प्रदेश। अब भाई मान लीजिए नॉर्थन रीजन के हैं, एडमिट कार्ड अवेलेबल हैं, तो आपको यहाँ नॉर्थ रीजन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नॉर्थन रीजन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। अब देखिए, ये रहा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का 2019 के पेपर फर्स्ट का। चलिए, अब इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पर एक कैप्चा आएगा, आई एग्री करेंगे आप लोग और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट एक और पेपर ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं कि आप लोग किस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी है, पिताजी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, अगर रजिस्ट्रेशन आईडी, ये पहला चीज़ है कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास रोल नंबर है तो आप यहाँ रोल नंबर, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल के निकाल सकते हैं। ये सब भी नहीं है तो आपने जो नाम लिखा था कंप्लीट नाम एप्लीकेशन में, आपके पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल के भी आप लोग अपना चेक कर सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है। तो ये सारी चीज़ें कि आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको एक एडमिट कार्ड, आप लोग डिटेल डाल सकते हैं। देखिए अभी क्या करना है, सीधे रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ डालना है और आपका यहाँ से एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको जो मेन वेबसाइट का लिंक है वो दे देता हूँ। अब आप नॉर्थ रीजन के तो नॉर्थन पर क्लिक करना, जिस भी रीजन के आप हो वहाँ पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो वाला लिंक मैं देता हूँ। तो आप अगर नॉर्थ के हैं तो नॉर्थ वाले पे देखिए, ये वाला इस पेज का मैं आपको एडमिट कार्ड का दूंगा। आप जिस भी रीजन के उस पर क्लिक करके आप आगे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा एक और चीज़ है, मेरी तरफ से सभी एसएससी जेईई के एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग एग्ज़ाम अच्छा करके आएँ, सक्सेसफुल हो लाइफ में, तो मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट है। जाइए और एग्ज़ाम फोड़ दीजिए और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू गाइस। अच्छा गाइस, एक और चीज़ है मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, रुकिए, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट। जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ दो पेपर आएंगे, एक ये पेपर भी आएगा, COVID-19 का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना है। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव वेंट बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। तो आपको नाम, कैंडिडेट का रोल नंबर, एग्जाम डेट, नेम, एग्जाम शिफ्ट, एग्जाम वेन्यू सब कुछ लिखना है और आपको नीचे आपके सिग्नेचर करने हैं। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको अपने साथ अवश्य लेके जाना है। तो ये भी देख लें, इसका प्रिंटआउट लेके जाएँ और ये अपने घर से खुद भरकर आप लोगों को लेके जाना है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे से शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।